Hello, my dear children. Today we are going to do lesson number 5, Shapes and Designs, part 2 in our Maths Magic subject. डिजाइन इन स्क्वायर, देन वन मैंगो जैसी डिजाइन की है, फिर वही रिपीट होता है. हियर यू कैन सी, यहाँ पे ऐसे डिजाइन है अगेन, दैट इज बीइंग रिपीटेड. देन सर्कल डिजाइन, बिग सर्कल्स, देन स्मॉल, देन बिग, देन स्मॉल, इस तरह से. यानी नॉर्मली ये रिपीट होता है पैटर्न्स जो होती है कपड़ों पर, दैट इज वीविंग पैटर्न्स. नाउ वाओ, सो मैनी कलर्स, सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, सी द पैटर्न्स. नाउ हियर यू कैन सी विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स. तो यहाँ पर जो बॉर्डर्स दी है उसमें आप कौन कौन से शेप्स देख सकते हो, तो वी कैन सी सर्कल, स्क्वेयर, डायमंड, फिर ये भी एक मैंगो टाइप का शेप है, और हेक्सागन, और इतने सारे शेप्स हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं. नाउ इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस, ऐसा कोई शेप है जो रिपीट होते हैं पैटर्न्स में? यस, फर्स्ट पैटर्न में डायमंड एंड सर्कल, एंड सेकंड पैटर्न दिस डिजाइन इन स्क्वायर एंड हेक्सागन. ओके, आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, और बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन? सी, यहाँ पे पैटर्न्स है ये सारी स्ट्रेट लाइंस की है. यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड लाइंस है, यहाँ पर कर्व्ड लाइंस है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन साथ में है. सो we get both curved and straight lines in the pattern. Okay, now here you can see floor patterns. Floor patterns यानी जो हमारे घर होते हैं वहाँ ज़मीन पर हम जो फ्लोरिंग करते हैं उसकी patterns इस तरह से होती है. See, have you ever seen a floor which has designs? Yes, सबके घर में होती है designs, और ये normally रास्ते पर जो blocks लगते हैं उसमें भी होती है. घर में किसी का गार्डन है तो गार्डन में भी बीच में चलने के लिए ऐसी फ्लोरिंग की जाती है. डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड? दिस डिज़ाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विथ स्मॉल टाइल्स दैट फिट इन टू ईच अदर विदाउट एनी गैप्स. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट्स. तो यहाँ पर ये छोटी छोटी टाइल्स लगाई है तो ऐसे फिट होती है, ये यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा और दूसरा यहाँ जुड़ेगा इस तरह से. सी, वन इन वर्टिकल पोजिशन, वन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यानी एक ऐसे रखा है, दूसरा ऐसे, इस तरह से पूरा बना देते, इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ के पूरी पैटर्न कंप्लीट हो जाती है. सेम वे, नाउ लुक एट दिस स्टाइल विथ सिक्स साइड. दिस, सी, यू कैन सी दिस आर द सिक्स साइड्स. ओके, तो ये कैसे होता है? सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गैप. बिल्कुल गैप के बगैर ये एक दूसरे के साथ ऐसे सेट हो जाती है. यहाँ पे देखो, पहले ऐसे रख दिए सारी, फिर यहाँ से थोड़ा आगे लेके उसके साथ बीच बीच में जो गैपिंग होता है वहाँ पे पूरी तरह से इसको सेट करके लगा देते हैं. इन दिस वे इट इज़ एडजस्टेड, अच्छी तरह से रख के किया जाता है. नाउ हियर यू कैन सी among the following, can you match the tiles with the designs that they will make on the floor? Draw lines to match. Now here you can see this is a hexagon, ऐसी design है. See, ऐसे है, ऐसे फिर बीच में लगाया, तो इसमें से कौन सा ऐसा match होगा? This one. So
So we will match from here to here. Now here you can see this is a design in the square और उसमें triangles हैं. Here you can see a square. तो ऐसे design कहाँ पर है? Here you can see it is same. So we match here. Now here you can see triangles are there. फिर बीच में भी triangles हैं, यानी ये square में दो एक बड़ा triangle और ऊपर दो छोटे triangle. So same pattern you can see here. One big triangle and two small triangles. So we will match it with this pattern. Now here you can see this way triangle वाली pattern है totally, right? So ये बिल्कुल यहाँ पे है और यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो कि triangle है. See this triangle, उसके अंदर एक छोटा triangle, big triangle, one small triangle. तो ये ऐसी pattern है. So we will match it. Now here you can see you can also make your own tiles and use them to make your own tiling patterns. You will find some such tiles at the end of the book that you can cut out and trace and color. You can do that. Okay, now complete the following tiling pattern. यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक ऐसे rectangle है, लेकिन rectangle में ऐसे line करके triangle किया, तो उसको ऐसे join करते जाना है और इस तरह से यहाँ से ऐसे, then from here you go up, then from there you come down, up, down. Okay, और यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऐसे आया तो ये यहाँ से ऐसे, then down, then up, then down, then up, down, up, down, up. इस तरह से डायमंड शेप बीच में बन जाता है, लेकिन कलर करने के टाइम आपको दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के साथ लगा के करना है. यू विल डू ब्राउन और डार्क पिंक एंड लाइट पिंक, इस कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पर कलर करेंगे. ओके, दिस इज़ पेज 71. Now here you can see on page 72, there is a question, complete this pattern, compare it with the patterns on page 70, which also uses six-sided shape. What is the difference between the two? Okay, first we will see, ये एक design दी है, तो आपको इसको properly देखना है. यहाँ पे देखो, hexagon shape बन रहा है, six sides. See, triangle, then hexagon, फिर triangle, then hexagon. अगेन टू ट्राइंगल्स देन हेक्सागन. इस तरह से आपको ये पूरी पैटर्न करनी है, राइट? तो इसमें हम देख रहे हैं कि हेक्सागन दोनों सब बाजू बाजू में है, बट ऑन पेज 70 यू कैन सी हियर ये थोड़ी अलग तरह से लगाई. ये सारी वर्टिकल्स सारी हॉरिजॉन्टल में लगाई है, एक के बाजू में एक. ओके, बट हियर यू कैन सी देयर इज सम डिफरेंस इन दैट, हियर सम गैप इज देयर, बीच में ट्राइंगल्स आते हैं. So the answer is the pattern on page 70 has hexagons connected to each other, but in the pattern on this page the hexagons are connected through triangles. वो triangle के साथ connect होके है, बीच में gap है, page 70 पर gap नहीं है. Children, you are going to color the pictures in this way only. Now here you can see Khushbu and Rahim live in Agra. One day they went to see the Taj Mahal. The floor had the pattern shown below. See, Taj Mahal में ऐसे ही floor की pattern है. One is horizontal और एक vertical, hexagon ही है ये भी. I can see two different tiles in this pattern. तो हम देखेंगे तो इसको ऐसा लग रहा है खुशबू को कि ये दो tiles अलग अलग तरह की लगाई है, एक ऐसी और दूसरी ऐसी. But this boy is telling, no, I think only one type of tile has been used. तो सच में क्या है? What do you think? Discuss with your friends. In the pattern, only one type of tile has been used, but at different angles. यहाँ पे इसका angle ऐसे है, यहाँ पे ऐसे. Okay? Now, यानी एक horizontal है और एक vertical है. Okay? Now they are arranged in two directions, horizontal and vertical. इस तरह से लगा के अलग pattern बनाई है. Now tiling time. Okay? The patterns below are made from this tile. This is a diamond shaped tile, and in this pattern three colors have been used to make it look like steps. यानी यहाँ पे green, orange and brown colors use किए हैं. Now हम देखें तो सारे हमको ऐसे लगता है कि ये सीढ़ियाँ हैं, ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए stairs जैसा लगता है, है ना, steps जैसा लगता है. यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऊपर, ऐसे ऐसे, you go like this. These are the steps, you go अप. ओके, तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं. फॉर दैट वी हैव टू यूज़ थ्री कलर्स. पहले आपको सारे जो डायमंड शेप है, जो स्लिपिंग ऑर्डर में है, उनको कलर करना है. देन यू आर गोइंग टू टेक ऑरेंज कलर एंड
यहाँ पे जो डायमंड शेप्स है उसको करेंगे और यहाँ पर हम ब्राउन करेंगे। इस तरह से आप पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। ना वी हैव यूज थ्री कलर्स बट हियर यू आर गोइंग टू यूज ओनली टू कलर्स। बाय यूजिंग टू कलर्स इट बिकम्स अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू एंड येलो फ्लावर्स। ना हियर यू कैन सी यहाँ पे दो ही कलर्स यूज़ किए। सी ये पूरा हमको देखने से लगता है ऑल दीज आर ऑल्सो डायमंड शेप। हमको देखने से ये फ्लावर दिखता है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, बट दीज फ्लावर्स आर हाफ। तो जस्ट बाई चेंजिंग द पैटर्न ऑफ कलरिंग एंड द वे ऑफ कलरिंग हम कर सकते हैं। सी नाउ हियर ऐसे करके पूरा किया है, यहाँ से एक बॉक्स ये, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे करके किया और यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह से करने से यू गेट अ डिफरेंट पैटर्न। नाउ चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस टू मेक योर ओन पैटर्न। आपको यहाँ जो पैटर्न करनी है वो आप कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं, एंड हियर यू कैन यूज़ दिस वन और वॉट एवर यू विश। नाउ हियर वी कैन सी ट्रेजर हंट। यहाँ पर एक गेम जैसा दिया है। फ्रैंकी एंड जो हिज मम्मी हैज़ हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम, बट शी वॉन्ट्स देम टू फाइंड आउट थ्रू ए ट्रेजर हंट। शी हैज़ रिटन सम इंस्ट्रक्शंस हियर। कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रैंकी इन फाइंडिंग देयर गिफ्ट। यानी फ्रैंकी और जूही की मम्मी ने उनके लिए कुछ गिफ्ट रखा है, लेकिन उन्हें सरप्राइज गिफ्ट है वो छुपा के रखा है, और उनको ये है कि वो बच्चे खुद ही ढूंढे कि वो उनके लिए क्या लाए। तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के लिए जिस पर से बच्चों को जाकर ढूंढना है। नाउ फर्स्ट ए स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। हियर यू कैन सी ऑन पेज 75 यू कैन सी यहाँ से स्टार्ट करना है। सी इट इज़ रिटन स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। सी हियर वी कैन सी मैनी ट्रीज आर देयर बट दिस इज़ अ टॉलेस्ट ट्री। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब डायरेक्शन जैसे जैसे देंगे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे फ्रॉम द सिक्स टाइल टर्न लेफ्ट। सी यहाँ से जाना है पाथवे यानी वॉकिंग एरिया 1 2 3 4 5 6। देन फ्रॉम द सिक्स टाइल यू हैव टू टर्न राइट साइड। तो आपको आपको लेफ्ट साइड में टर्न करना है। सॉरी राइट साइड में कुछ है ही नहीं, लेफ्ट साइड में टर्न करना है। देन यू विल गो फर्दर। देन हियर इट इज़ रिटन आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप्स अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। तो थोड़ा आगे जाएंगे तो यू कैन सी अ स्मॉल प्लांट, सो यू विल पुट अ टिक ओवर हियर। यहाँ पे एक प्लांट है, राइट। देन कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू द प्लांट। या यू कैन सी यहाँ पे दो लड़कियाँ खेल रही है लेकिन जो प्लांट के सबसे नज़दीक है हमको उसको कलर करना है। तो यू कैन कलर एनी कलर यू विश, जस्ट पुट अ टिक ओवर हियर, यानी आपको पता चले कि इस लड़की को कलर करना है। देन ऑन द फोर्थ टाइल टर्न लेफ्ट अगेन फ्रॉम देयर। प्लांट से आगे जाके फोर्थ टाइल 1 2 3 4 यहाँ पर आके आपको फिर से टर्न लेना है एंड यू आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट अगेन। फिर से लेफ्ट टर्न लेना है एंड देन कलर द ड्रेस ऑफ ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द फोर्थ टाइल इज ब्रोकन। अभी इससे आगे आप जाओगे लेफ्ट जाके तो फोर्थ टाइल जो है वो टूटी हुई है 1 2 3 4। सी दिस ब्लू टाइल इट हैज़ बीन ब्रोकन। ये टूटी हुई टाइल है, ओके। तो उसके बारे में क्या लिखा है, यू विल फाइंड अ बैट एंड अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, डोंट पिक देम अप जस्ट कलर सर्कल देम। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रोकन टाइल के पास बैट बॉल पड़े पर उसको उठाना नहीं है, खाली उसको सर्कल करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मूव अहेड एंड टर्न राइट। यहाँ से फिर बैट बॉल से आगे जाना है और राइट टर्न करना है। देन यू विल गो फर्दर, ओके। आगे जाके क्या आता है, यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री, अ फ्यू मैंगोज कैन बी सीन ऑन द ट्री, कलर 11 मैंगोज ऑन द ट्री। अभी हम आगे जाएंगे देन यू कैन सी देर इज़ अ मैंगो ट्री, राइट, एंड देर आर मैनी मैंगोज ऑन द ट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल 15 मैंगोज है लेकिन हमको खाली 11 मैंगोज में ही कलर करना है, ओके, बाकी में नहीं करना है। सो दैट यू विल डू। देन यू विल आफ्टर कलरिंग द मैंगोज ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री। यहाँ पर मैंगो ट्री के पास थोड़ा सा ग्रास हमको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यू टेक अ ग्रीन कलर एंड डू इट एंड देन आफ्टर डूइंग द ग्रास यू विल सी दैट स्टार्ट मूविंग ऑन द पाथवे अगेन।
एंड व्हेन यू गो स्ट्रेट यू विल फाइंड अ हाउस. अब ये पाथवे पर आगे से चलते चलते जाएंगे मैंगो ट्री से आगे, देन यू विल सी अ हाउस. एंड व्हेन यू गो टू द हाउस बिहाइंड दैट हाउस देयर इज़ अ बैग, ओपन इट एंड यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट. कैन यू टेल व्हाट देयर मदर हैज़ कैप्ट इन द बैग. तो यहाँ से जाएंगे तो घर के पीछे एक बैग रखिए, इसमें स्वीट्स रखिए फ्रैंकी और जूही के लिए. तो उनकी मम्मी ने उनके लिए कुछ स्वीट रखी है, तो शायद कोई भी गुलाब जामुन, काजू कतरी, एनी स्वीट इट कैन बी. सो दिस वे यू विल कम्प्लीट द टेक्स्चुअल एक्सरसाइज अप टू पेज नंबर 75. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन प्रॉपरली बेटा. बाय बाय.